विविध 12 संप्रदायांमधून आलेले हे महंत साधू आणि त्यांच्या आता सर्वांची सर्वधर्म प्रार्थना सभा ही सुरू आहे. प्रार्थना होतीये. नवीन संसद भवनाचा हा उद्घाटनाचा कार्यक्रम अत्यंत भव्य दिव्य हा कार्यक्रम सध्या दिल्लीमध्ये पार पडतोय आणि नवीन संसद भवनातून ही थेट दृश्य आपण पाहतोय. नमो तस भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धास कंगे तुझे निजोने तवा थमचे पाबे छिरे थमबे छुने तुझे गोतम देला छा छे लो गोतम देला छा गोतम देला छा छे लो ओम नमो भगवते अपरिमिता अरिज्ञान सुमिनिचिता ཁྱི temar jo temar jin simje do de pa do me om supra de dam benzar ye so ha om ye dar ma he to ba ma ba he tin de kenda la ga do he wa de de gen ro ni ro da yo ma di ma sha ma na ye so a ye ji de de me to te ba me te me te wa ma lu jong de ngwe me do a jo ba na ma ye jo Sāngye se pā me la cha cha lo jitā yāmbē yā kāntāng jitū Mē nē chū nē te se यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा. यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा. तुमने से ऐसा कौन है कि गढ़ बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च ना जोड़े कि पूरा करने की विसात मेरे पास है कि नहीं. कहीं ऐसा ना हो कि जब नेव डाल कर तैयार ना कर सके तो सब देखने वालों ये कहकर उसे ठट्ठा में उड़ाने लगेंगे कि यह मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार ना कर सका. या कौन ऐसा राज्य है कि जो दूसरे राज्य के युद्ध करने जाता हो और पहले बैठकर विचार ना करे कर ले कि जो 20,000 लेकर मुझ पर आता है क्या मैं 10,000 लेकर उसका सामना कर सकूंगा. तब सुलेमान इज़राइल की पूरी सभा में देखते यहोवा की बेदी के सामने खड़ा हुआ और अपने हाथ स्वर्ग की ओर फैलाकर कहा, हे यहोवा,
हे इज़राइल के परमेश्वर, तेरे समान तो ऊपर स्वर्ग में और आज नीचे पृथ्वी पर कोई ईश्वर है। तेरे जो दास अपने संपूर्ण मन में से अपने की तेरे सन्मुख जानकर चलते हैं, उनके लिए तू अपनी वाचा पूरी करता है और करुणा करता रहता है। जो वचन तूने मेरे पिता दाऊद को दिया था, उसका तो तूने पालन किया है। जैसा तूने अपने मुंह से कहा था, वैसा ही अपने हाथ से उसे पूरा किया है, जैसा आज है। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं इस नई संसद की इमारत के लिए, जो आपकी आत्मा के द्वारा प्रभु आज पूरी हुई है। हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं हमारे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और तमाम सांसद प्रभु, जो यहाँ पर विचार विमर्श करके इस देश को चलाएंगे। हमारी विनती है कि आपकी पवित्र आत्मा यहाँ सदा वास करे, कि प्रभु आपके द्वारा जो कुछ भी आपने संभव किया है, हमारे इस तमाम इमारत को बनाने वालों पर आपकी आशीष हो। और जिस मकसद के लिए प्रभु ये कार्य हुआ है, ये इमारत खड़ी हुई है, वो पूरा हो, कि यहाँ से न्याय हो, कि यहाँ से लोगों को आशीष मिले, कि यहाँ से जनता का भला हो। आपके पवित्र हाथों में एक बार फिर से संपूर्ण कार्यवाही को सौंपते हैं और हम इस दुआ को मांगते हैं आप ही के प्यारे बेटे हमारे खुदाबंद यीशु मसीह के पाक, पवित्र, रहीम और मीठे नाम से। आमीन। बना में खुदा, बना में असाद बख्शा हो असगा मेहरबान रजिस्तया चिस्तया मस्त दातया शौनिया दैनया अंगोया के खुदाई पर खलंग फरिश्ता दे इन हाउस के जरतोस अवर दे हाउस तीन दिने जरतोस दिने और मस्ताओ दादे जरतोस पीतमाओं अशोने अशेम वहो वैस्ते मस्ते उस्तास्ते उस्तामाई यरशाई वैस्ताओं यशेम अशोनाओं वंगोईंस सुराओं स्पेंताओं प्रवश्यों यजमैदाई यंगे आताओ मात्यस्ने पैतिवंगो मस्तौरा पैथ्या सारचाओ यंगम चाओ तस्साओ तवस्साओ यजमैदे यथा हुवेर्याओ यथा रताओ साओ चिरचाओ वंगे ओ दस्ताओ मनंगो क्षोते ननाओ मंगे ओ स्वस्ताए क्षत्रिम चाय हौराओ आयम द्रेगुप्याओ दरत वस्तारेम अशेम वहो वैस्ते मस्ते उस्तास्ते उस्ता हम्माय यरशाय वैस्ताओ यशेम। बहाय प्रार्थना। हे मेरे ईश्वर, हे मेरे ईश्वर, अपने सेवकों के हृदय को एक कर दे और उन पर अपना महान उद्देश्य प्रकट कर, जिससे वह तेरे आदेशों का अनुपालन करे और तेरे नियम पर अटल रहे। हे ईश्वर, तू उनके प्रयासों में उनकी सहायता कर और उन्हें अपनी सेवा करने की शक्ति प्रदान कर। He makes me
to lie down in green pastures. He leads me gently beside the still waters. He refreshes my soul. He guides me in the paths of righteousness for his name's sake. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, because God is with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Thou preparest a table for me in the presence of mine adversaries. Thou hast anointed my head with oil. My cup overflows. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord for length of days. Let us say Amen. लोकतंत्र के पवित्र मंदिर संसद के नए भवन के उद्घाटन के अवसर पर जैन प्रार्थना भगवान महावीर की वाणी नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्जायाणम नमो लोए सब साहुणम ऐसो पंचनमोकारो सब पावप पनासनो मंगलानम च सब्बे सिंह परमम हवई मंगलम चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धमो मंगलम चत्तारी लोकतमा अरहंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहु लोकतमा केवली पन्नतो धमो लोकतमो चत्तारी शरणं भवज्जामि अरहंते शरणं भवज्जामि सिद्धे शरणं भवज्जामि साहु शरणं भवज्जामि केवली पन्नतम धम्मं शरणं भवज्जामि धम्मो मंगलमुक्तिथम अहिंसा संयमो तवो देवावि तम नमन संति जस धम्मे सयामनो जो पुब रत्तावर रत्त काले संपिक्खै अपगम अपैणम जेयम किणम कत्तम जो पुब रत्तावर रत्त काले। भगवान महावीर कहते हैं मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है, इसलिए तू श्रेष्ठ कर्म कर। अप्पा कत्ता विकत्ता है दुहानी है सुहानी है अप्पा मित्तम अमित्तम च दुपट्टी है सुपट्टी है। भगवान महावीर कहते हैं जो सहस्रम सहसानम संगाम है दुजे जिने एकम जिने जे अपानम एस से परमोह जो। भगवान महावीर कहते हैं सदा कम्मुनो बम्मुनो होई कम्मुनो होई खत्तियो वैसो कम्मुनो होई सुद्धो होई कम्मुनो। मैं इस अवसर पर संपूर्ण जैन समाज की ओर से श्वेतांबर दिगंबर स्थानकवासी डेरावासी तेरापंथी की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देते हुए अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने धर्म दंड को राजदंड को सुंगेल को उसके उचित स्थान पर ऐतिहासिक स्थान पर प्रस्थापित किया। संपूर्ण जैन समाज की ओर से बहुत बहुत आभार अभिनंदन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अर्रहमान علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان। ओहा संत करे हर रंगा तेह मरण न जीवन सोग न हर खा साच नाम की अमृत बरखा तेह मरण न जीवन सोग न हर खा साच नाम की अमृत बरखा गुज कथा है गुरते जानी नानक बोले हर हर वाणी गुज कथा है गुरते जानी नानक बोले हर हर वाणी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। संपूर्ण जैन समाज की ओर से भारत की धरती को नमन करती हूँ। अड़मो जिनाड़ो जय जिनेन्द्र। माननीय प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में नवीन संसद भवन के भव्य उद्घाटन समारोह के पावन अवसर पर प्राकृत भाषा संस्कृत में जैन प्रार्थना। ए
अरिहंतो भगवंतेन्द्र महिता सिद्धाश सिद्धेश्वरा आचार्यादिन शासनोन्नति करा पूज्या उपाध्याय का श्री सिद्धांत सुपाठिता मुनिवरा रत्नत्रया राधिका पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलं कुर्वन्तु नो मंगलं यदि चैतन्ये मुकुरैव भावाशिदचितः समं भान्ति द्रव्या व्ययजनिलसन्तोऽन्तरहिता शासनम। भगवान महावीर के 2550वें निर्माणोत्सव पर सभी देशवासियों के मन में अहिंसा की भावना हो, अहिंसा परमो धर्म की जय। जय नम जयतु शासनम। नानक नाम चढ़ दी कला तेरे पाड़े सरबत दा भला नानक नाम चढ़ दी कला तेरे पाड़े सरबत दा भला जिसते होवे तेरी कृपा जिसते होवे तेरी कृपा उस दे सिर तो टले भला नानक नाम चढ़ दी कला तेरे पाड़े सरबत दा भला विसर गई सब तात पराई जब ते साध संगत मोहे पाई ना को वैरी नहीं बिगाला सगल संग हमको बन आई जो प्रभु की नो सो पल मान्यो एत सुमत साधु ते पाई जो प्रभु की नो सो पल मान्यो ए सुमत साधु ते पाई सब मेरा उरेया प्रभु एके पेक पेक नानक बिगसाई नानक नाम चढ़ दी कला तेरे पाणे सरबत दा भला नानक नाम चढ़ दी कला तेरे पाणे सरबत दा भला जिसते होवे तेरी कृपा जिसते होवे तेरी कृपा सदे सिर तो टले भला नानक नाम चढ़ दी कला तेरे पाड़े सरबत दा भला नानक नाम चढ़ दी कला तेरे पाड़े सरबत दा भला वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। महतः राष्ट्रस्य भारतस्य नूतन संसद भवनस्य उद्घाटनावसरे अस्मिन् ऐतिहासिके शुभावसरे श्रीमद् भगवद् गीतायाः ज्ञान विज्ञान योग इति सप्तमाध्यायस्य सप्त श्लोकानां पाठः प्रस्तुयते।
श्री भगवानुवाच मैया सक्तमना पार्थ योगं युञ्जन् मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ज्ञानं तेहं सविज्ञानमिदं वक्षाम्यशेषतः यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यद् ज्ञातव्यमवशिष्यते मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् एतद्योनीनि भूतानि सर्वाण्युपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणायिव ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। छत्रपतींचा विचार म्हणजे